पाटलिपुत्र है और पटना साहिब है, इन दोनों सीट पर अपने कार्यकर्ता जो आए हैं, यहाँ से हमारे पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ता आए हैं जहाँ हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जी किसी भी क्षेत्र में, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, वहाँ उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। ये बीजेपी जो है, हमने पहले भी कहा है कि बहुजन जलाओ पार्टी है, और ये बहुजन जलाओ पार्टी से कुछ आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ये बहुजनों को जलाने वाली पार्टी है। अगर मणिपुर की बात हो, बिहार में भी शासन करेंगे, बिहार का जो प्रशासन है, चाचा भतीजा की जो सरकार है, ये कैसे चल रही है इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। ये कहीं भी किसी पर भी गोली चलाने का काम कर सकती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव, बिहार में हूँ आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राजनीति की पूरी सियासत पीच जो है तैयार की जा रही है। इसी बीच बसपा सुमरियों मायावती, जी हाँ, बहन कुमारी मायावती बिहार से लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात दरअसल आज बिहार में जो बसपा के प्रभारी हैं अनिल कुमार सिंह से जब ये सवाल पूछा गया कि क्या लोकसभा चुनाव बहन मायावती बिहार से लड़ेंगे, तो उन्होंने इसका जवाब देते हुए कहा है कि हम 40 के 40 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं और 40 के 40 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन बहन मायावती बिहार से चुनाव लड़ेंगी या नहीं लड़ेंगी, इस सवाल पर क्या कुछ अनिल कुमार बोल रहे हैं, जरा सुनिए आप। हम लोग 40 सीट पर लड़ेंगे, और आज जो अभी सम्मेलन हो रहा है, ये पटना जिला का सम्मेलन हो रहा है, जिसमें हम लोगों ने पटना में जो दोनों लोकसभा क्षेत्र पाटलिपुत्रा है और पटना साहिब है, इन दोनों सीट पर अपने कार्यकर्ता जो आए हैं, यहाँ से हमारे पंचायत स्तर तक के कार्यकर्ता आए हैं जहाँ हम अपनी तैयारी कर रहे हैं, और वहाँ स्पष्ट रूप से कि बहुजन समाज पार्टी पटना जिला का जो दोनों सीट है, दोनों लोकसभा सीट है, इस पर मजबूती से लड़ करके और ये सांपनाथ और नागनाथ को हराने का काम निश्चित रूप से बहुजन समाज। एक सवाल है कि क्या मायावती जो है वो बिहार से भी चुनाव लड़ सकती है लोकसभा का? देखिए, मायावती जी कहीं से भी लड़ सकती हैं, लेकिन ऐसी खबर निराधार है, वो बिहार के किसी से चुनाव लड़ने का अभी उनका कोई ये नहीं है कि बिहार से चुनाव लड़ने के। देखिए, ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश में जनाधार अभी भी काफ़ी है। ये मीडिया का शंखनाद जो है ना, कि मीडिया कहती है कि हम बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, कहीं नज़र उठाकर देखने की ज़रूरत है, ज़मीन पर जाने की ज़रूरत है, और जब ज़मीन पर जाएंगे तो हकीकत पता चलेगी कि बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती जी किसी भी क्षेत्र में, चाहे उत्तर प्रदेश की बात हो, वहाँ उत्तर प्रदेश के किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। और जो आप लोगों का जो मीडिया का जो तंत्र है, ये तंत्र एक ऐसा मंत्र देता है कि हम बहुत कहीं कमज़ोर हो गए हैं, कहीं कमज़ोर नहीं है, धरातल पर देखेंगे सारे जगह मजबूत हैं। महागठबंधन के नेता आरोप लगा रहे हैं कि बसपा अकेला चुनाव लड़ रही है ताकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो। देखिए, हम सांपनाथ और नागनाथ, हमने पहले ही जो हमारे मान्यवर जो मिशन के, इस मिशन को आगे बढ़ाने वाले थे, उन्होंने इन दोनों को कहा था सांपनाथ और नागनाथ, इन दोनों का फन को कुचलने का काम बहुजन समाज पार्टी करेगी, इन दोनों को कुचलने का काम करेगी। ये हम न गांधी के पक्षधर हैं और न गांधी जी को मारने वाले गोडसे के पक्षधर हैं, ये बहुजन समाज पार्टी है, ये बहुजनों का पक्षधर है, और बहुजनों के हित में कोई भी फैसला होगा वो बहुजनों के हित में लेगी। अच्छा, आप ये बताएं, जब भी कभी 144 पर हम लोग भी धरना प्रदर्शन दिए हैं, कोई भी कोतवा यहाँ डाकबंगला तक आया, हर कोई पर लाठीचार्ज हुआ है, ये कोई नया क्या था? जब आंदोलन करेंगे तो लाठीचार्ज तो हमेशा हुआ है, ये कोई नया भारतीय जनता पार्टी पर हुआ है, ये कहीं भी सही नहीं है। ये बीजेपी जो है, हमने पहले भी कहा है कि बहुजन जलाओ पार्टी है, और ये बहुजन जलाओ पार्टी से कुछ आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, ये बहुजनों को जलाने वाली पार्टी है। अगर मणिपुर की बात हो, बिहार में भी शासन करेंगे, बिहार में भी जलाएंगे, ये बहुजन जलाओ पार्टी है, इससे बहुत उम्मीद नहीं की जा सकती है। देखिए, कटिहार की घटना, ये चाचा भतीजा की जो गठजोड़ की जो सरकार है, इनकी फेलियर है, और ये पूरे के पूरे कटिहार की ही घटना नहीं है, अगर हम देखें तो सोनपुर की भी घटना है, मुजफ्फरपुर की घटना है, दरभंगा की भी घटना है, तमाम जगह प्रशासन जो है दबंगों के हित में फैसला करता है। ये जो कमज़ोर लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, वंचित लोग हैं, पिछड़े हैं, अति पिछड़े हैं, उनको दबाने वाली सरकार है। आप बिजली का मांग कीजिए, आप राशन का मांग कीजिए, किरासन का मांग कीजिए, कहीं भी नीतीश कुमार की सरकार गोली चला सकती है।
देखिए, ये हमने तो कहा कि ये पटना बिहार का जो प्रशासन है, चाचा भतीजा की जो सरकार है, ये कैसे चल रही है इसकी कल्पना करना बड़ा मुश्किल है। ये कहीं भी किसी पर भी गोली चलाने का काम कर सकती है। ये इसके लिए इनको कहीं भी हमें लगता है कि पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। ये गरीब रहेंगे, शोषित रहेंगे, वंचित रहेंगे, उन पर गोली चल सकती है, लेकिन जब दबंग रहेंगे उनको जेल से छुड़ा करके उन्हें माला पहनाने की सरकार काम करेगी, और कहीं भी उनके पक्ष में खड़ा होने वाली सरकार है। इसलिए इस सरकार से बहुजन समाज के लोग कुछ भी न्याय का उम्मीद करना छोड़ चुके हैं। देखिए, महागठबंधन और गठबंधन तो दोनों वही हैं, ये दोनों तो वही गठबंधन है, कल तक इनके साथ थे, आज फिर उनके साथ चल जाए तो फिर बढ़िया हो जाएंगे। तो ये कहना कि गठबंधन की सरकार है इसलिए ऐसा है, ऐसा नहीं है, कदापि नहीं है। ये गठबंधन रहे, महागठबंधन रहे, ये दोनों ही परिस्थिति में बहुजन समाज यहाँ परेशान है और बहुजनों पर अत्याचार बढ़ते रहा है। तो अभी आपने अनिल सिंह को सुना है, वो किस तरीके से बहन मायावती के बारे में बोल रही थी, किस तरीके से मायावती जो बसपा सुप्रीमो उनके बिहार से चुनाव लड़ने के बारे में बोल रहे थे। जैसा कि उन्होंने कहा है कि वो बिहार से लोकसभा चुनाव तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन उन्होंने इतना ज़रूर कहा, जैसे कि आपने सुना है, कि बीजेपी के बारे में, बीजेपी को कितना जो है आड़े हाथ लिया है, बीजेपी को बोला है कि इस बार साफ कर देंगे, यानी कि सत्ता से जो बीजेपी उखाड़ने की बात हो रही, इस बार जो है बसपा भी इस मुहिम में साथ नज़र आएगी और बसपा को इस बार जनता काफ़ी कुछ अधिक सीटें देने जा रही है, जैसा कि अनिल सिंह बोल रहे थे, जैसा कि आपने भी सुना है। तो आप अपनी राय क्या रखते हैं, क्या सचमुच में 2024 लोकसभा चुनाव में बसपा को इस बार सीटें अधिक मिलेगी, क्या बिहार से भी बसपा के उम्मीदवार जीत सकेंगे, क्या 40 सीट जो लड़ने की बात हो रही है, क्या 40 सीट पर इस बार बिहार में बसपा चुनाव लड़ती हुई नजर आएगी। तमाम सवालों को लेकर आप अपनी जवाब कमेंट ग्रुप में हमें जरूर पहुंचाइएगा। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।